ठुकराओ चाहे प्यार करो, मैं नशे में हूँ, जो चाहो मेरे यार करो, मैं नशे में हूँ। आपने कभी शराब, विस्की, वियर, वाइन पी होगी या अपने नहीं पिया होगा तो किसी को पीते हुए देखा होगा। तो आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि वह व्यक्ति बार बार यूरिन डिस्चार्ज कर रहा है, उस व्यक्ति को बार बार पेशाब लग रही है। आखिर ऐसा होता क्यों है? इसको समझने के लिए पहले हमें अपने मस्तिष्क की तरफ जाना होगा। मस्तिष्क में एक ग्लैंड होती है जिसे हम लोग बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे हिंदी में बोलते हैं पीयूष ग्रंथि। वह एक हार्मोन क्रिएट करता है जिसे बोलते हैं वेसोप्रेसिन हार्मोन, जिसे सामान्य बोलचाल की भाषा में हम लोग उसे ADH कहते हैं, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? इसका मुख्य कार्य होता है कि यह किडनी को सिग्नल भेजता है पेशाब रोकने के लिए, पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है। लेकिन जब हम अल्कोहल अपने बॉडी में डालते हैं, पीते हैं, तो एक रासायनिक प्रतिक्रिया होती है। उस रासायनिक प्रतिक्रिया के फलस्वरूप जो ADH है उसकी मात्रा दब जाती है या कम हो जाती है। जैसे वो कम होगा तो वह मस्तिष्क क्या करेगा, एक कमज़ोर सिग्नल भेजेगा। चूंकि ADH की मात्रा क्या हो गई, कम हो गई, तो सिग्नल काफ़ी कमज़ोर आएगा कि आपको यूरिन रोकना है। जब कमज़ोर आएगा तो आप बार बार प्रेरित होंगे यूरिन डिस्चार्ज के लिए। तो यही मुख्य कारण होता है यूरिन डिस्चार्ज आदमी को बार बार होता है, चूंकि ADH दब जाता है और कम हो जाता है। लेकिन शराब एक अच्छी चीज़ नहीं है, इससे दूरी बनाए रखें।